शिकागो में आया हुआ और शिकागो अमेरिका में पानी से का दौर डिलीवरी है और इसमें दुनिया के डिजायर के नुमाइंदे आए हुए हैं कि 200 के करीब डिजायर के नुमाइंदे आए हैं और उनकी तादाद 10,000 के करीब है और यहाँ पे हम ये लोग जो आए हैं सारे डिजायर की अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं उनका मकसद ये हम सबका मकसद ये है कि दुनिया में कैसे अमन और कबूलियत और हमदर्दी जो है उसको जोर दिया जाए और जैसे आप देख सकते हैं कि इस बहुत बड़े हाल के मुख्तलिफान जो काम कर रही हैं उन्होंने अपने स्टार उधार वो सबका मकसद यही है कि दुनिया में इंसाफ हो मिनार्टी जो है उनको प्रोटेक्शन दी जाए और जो हम आपकी को फ्रोक पाए जाए और कल मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि पाकिस्तान में जरावाला और उसके करीब जो है 21 चर्चेज जो हैं उनको जला दिया गया है चर्चेज की कई रुपये की गई हैं बैतुल मुकद्दस जला दी गई है सिरीक को गिराया गया है और लोगों के घरों को भी क्रिश्चियनों के घरों को भी नुकसान पहुँचाया गया है और ये भी सुना है कि वहाँ पर कुरान पाक की बेवकूफ़ी का जो वाक़िया उसको कहा गया हुआ था जिसके रिएक्शन में मसीहों के 21 चर्चेज को गिराया गया है। मैं चर्चेज को गिराने की और अगर वो कुरान पाक को रात की बेवकूफ़ी जो है उसकी भी मजम्मत करता हूँ और जो विद्या धर्म आग लगाई हुई है धर्म को आग लगाई हुई है उसकी किसी तरीन अल्फाज मुजम्मत करता हूँ और मैं अपने किसी खुश के साथ सारे हमदर्दी करता हूँ और मेरा दिल जो है वो खून की आंसू रो रहा है कि पाकिस्तान में रहते हुए हम भी पाकिस्तान के वफादार शहरी हैं हमारी तमाम का स्ट्राइक है वतन के लिए है और हम हमेशा इंटरफेस आम इंटरफेस के लिए काम करते हैं। इस वाक्य ने हमारी इंटरफेस डायलॉग के जो अतिथि हैं उनको सबूताज किए हैं लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इंटरफेस आम इंटरफेस को जारी रखेंगे और हमारे जो हम ख्याल मुस्लिम जीते हैं जिस तरह आपके कबीर आजाद साहब हैं जुबैर आबद साहब हैं अशरफी साहब हैं और दीगर बहुत सारे हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं वो इंटरफेस आर्मी का काम करें और उसको जारी रखेंगे और ये जो अफसोसनाक सानिया जो हुआ पाकिस्तान में इसके लिए मैं उनसे पाकिस्तान करता हूँ और मुतालबा करता हूँ तो जिन्होंने भी ये चर्चेज पर हमले किए हैं उनको आइडेंटिफाई कर के जल्द को साफ किया जाए और उनके खिलाफ सजा दी जाए ताकि आइंदा कभी भी ऐसा वाकया जो है वो ना हो। या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से भी यही मैं आपके साथ हूँ और यहाँ पर देखिए कुछ लोग आए हुए हैं पाकिस्तानी मुस्लिम के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा सबको तसली दे हौसला दे और जो हमारी हुकूमत है वो मुस्लिमों की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाए और ये जो चर्चेज और दीगर अमलाक को जो नुकसान पहुँचाया गया उसको जल्द से जल्द तबील करे और हमारे जो जस्टिस साहब हैं चीफ जस्टिस वो स्लो मोटर लेकर इस सारे वाक़ की इंक्वायरी कराएँ और जिन्होंने ये किए हैं सारे वाक़ और उन्होंने पाकिस्तान को बरकत दे।